बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से ठीक ठाक फिट एंड फाइन होंगे। मैं लाई हूँ आज सबसे बेस्ट रेसिपी जो मेरे घर में, मेरी फैमिली में, मेरे समेत सबको बहुत पसंद है। ये है जनाब पालक गोश्त। बहुत क्विक बनेगा, बहुत मज़ेदार बनेगा और बहुत डिफरेंट वे में बनाएंगे आज। तो सबसे पहले हमने पालक को बॉयल करना है जनाब। मैंने डाला इसे प्रेशर कुकर में क्योंकि मैं एक आध घंटा वेट नहीं कर सकती थी, तो मुझे झटपट बनाना था। 150 मैंने इसको प्रेशर कुकर में डाल दिया है और सिर्फ 2 ग्लास मैंने इसमें पानी डाला था। आप देख सकते हैं फुल भरा हुआ था। थोड़ी देर मैंने इसको ना तकरीबन 2-4 मिनट मैंने इसको रहने दिया, उसके बाद मैंने इसके ऊपर ढक्कन लगाया था ताकि थोड़ा सा बैठ जाए, ठीक है। जिसके बाद मैंने इसको सिर्फ 5-7 मिनट या 10 मिनट आप प्रेशर लगा लें, बहुत अच्छे से गल जाती है। आपने प्रेशर उतारना है भाई, थोड़ी मुझे जल्दी थी, मैंने ऊपर से जल्दी जल्दी पानी डाला ताकि जल्दी से जो है ना तो सीटी बजना बंद हो जाए। तो उसके बाद अब यहाँ एक आप लोगों के लिए टिप भी है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज़ शेयर की थी। आप अगर पालक का कलर जो है ना हरा हरा चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब आप इसे छन्नी में निकालेंगे ना आपने इसके ऊपर पानी डालना है, ठीक है। यहाँ मैं अभी आपके सामने में करके आपको दिखाऊंगी। पानी डालने से ये होता है ना, जब इसका कुकिंग प्रोसेस रुकता है और साथ में जो है ना इसका कलर, ये इसको डल नहीं होने देता। जब आप इसको उसके ऊपर पानी डालेंगे ना इसका कलर डार्क नहीं होगा। तो ये आपने स्टार्टिंग में देख लिया मेरी पालक का कलर कितना मज़े का था। तो मैंने इसको सिंपली छन्नी में निकाल दिया है। अब मैं उसके ऊपर ढेर सारा पानी डालूंगी, अच्छे से पानी डालूंगी, ठीक है। और पालक बहुत गर्म थी, डैट्स वाई मैंने स्पैचुला की हेल्प ली ताकि सारी पालक पे ठंडा पानी लग जाना चाहिए। उसके बाद कुछ वक्त के लिए मैंने इसे सिंक में रख दिया था ताकि इसमें से पानी निकल जाए, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी आपने इसको ना बहुत अच्छे से निचोड़ के, आप देख सकते हैं मेरी पालक में बिल्कुल पानी नहीं है, आपने इसे बहुत अच्छे से निचोड़ना है। जब इसमें पानी रह जाता है ना तो उसका फ्लेवर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ मैं तकरीबन 2-2, 3-3 करके ये छोटे छोटे जो मेरे पास बॉल्स बने हैं तो इनको मैं जो है तो ग्राइंड करती चली जाऊँगी। थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करेंगे। अच्छा, पहले मैं ये करती होती थी ना कि गोश्त का जो पानी होता है ना, मैं साथ में गोश्त बनाना भी आपको बताऊंगी वो कैसे बनेगा, तो मैं वो वाला पानी डालती थी कि कच्चा पानी ना जाए इसमें, ठीक है। लेकिन अब मेरा गोश्त यहाँ गलने का नाम नहीं ले रहा था और मैंने इसको जल्दी से रेडी करना था। एक तरफ मैं ये बना रही थी, दूसरी तरफ साथ ही साथ में मैं गोश्त भी रखा हुआ था मैंने चूल्हे पर। लेकिन आपको दिखाने के लिए कि आपने जो है तो पालक का स्टेप आपके लिए क्या, आपने क्या क्या करना है, पालक रेडी कर लेंगे पहले, फिर उसके बाद फिर मैं आपको गोश्त की रेसिपी भी साथ में ही देती हूँ, ठीक है। वो हालांकि मेरे दूसरे चूल्हे पर पक रहा था लेकिन मैंने यहाँ पर एडिटिंग कुछ इस तरह से किया ताकि आपके लिए आसानी हो। तो यहाँ हमारी पालक जो है ना वो हमने ग्राइंड कर ली थी। उसके बाद मैंने जो है तो एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था 1 चम्मच के जितना। उसके बाद मैंने इसमें नमक, दड़ा मिर्च और साथ में हल्दी थी, साथ में धनिया का पाउडर और साथ में ज़ीरा जो है ना मोटा कुटा हुआ था, ठीक है। इसको बारीक नहीं पीसना है, इसको हमने हल्का सा जो है तो तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि ये जल भी ना जाए और इसका कच्चा फ्लेवर भी ख़त्म हो जाए। तो इसके बाद जो हमने पालक ग्राइंड की है ना, हमने इसके ऊपर वो पालक डाल देनी है, ठीक है। अच्छा, पालक बनाते हुए एक और चीज़ का भी ख्याल रखा करें, बहुत ज़्यादा मैंने इसको बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं किया है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी इसमें कसर छोड़ी है ताकि वो अच्छी लगे, ठीक है। बहुत मोटा मोटा भी नहीं होना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही बहुत ही स्मूदी सा नहीं बनाना है इसको, ठीक है। यहाँ हमने इसको इतना पकाना है कि अच्छे से इसका जो है ना घी जो है वो अलग हो जाए और ये आसानी से हो भी जाता है। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको बताऊँ, आपने डायरेक्ट अगर पालक को उठा के चाहे आप आलू के साथ बना रहे हैं या गोश्त के साथ बना रहे हैं, आप इसके ऊपर डाल देंगे यूँ, अगर आप तड़का नहीं लगाएंगे पालक को जैसे मैंने लगाया है, तो यकीन कीजिए आपकी पालक में से कच्चा टेस्ट ज़रूर आएगा चाहे आप उसको जितना भी पकाएं। तो यहाँ ये मैं आपको लाजमी टिप देना चाहूँगी, आपने जब भी पालक बनानी हो पालक को अलग से जो है ना तो आपने लहसुन का तड़का ज़रूर लगाना होता है। आप यकीन करें, आप ये बना के देखें ना, आप फ़ैन हो जाएंगे पालक गोश्त के। इवन अगर आप आलू पालक भी बना रहे हैं ना तो आपने इसी वे में बनाना है, आपकी पालक बहुत मज़ेदार बनेगी। यहाँ मेरी पालक ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी विद इन 10 मिनट्स और उसके बाद मैंने इसको अलग पैन में निकाल दिया क्योंकि अब यहाँ मेरा गोश्त भी रेडी था तो मैंने इसको इसी बर्तन में जो है तो तड़का लगाना था। चलें, यहाँ मैं आपको वापस ले चलती हूँ जो मेरा साथ साथ काम चल रहा था। यहाँ सबसे पहले मैंने तकरीबन 1 किलो के जितना गोश्त लिया है, उसमें मैंने लहसुन के 8-10 जवे डाले हैं, 2 छोटे साइज़ के प्याज डाले हैं और टमाटर थोड़े ज़्यादा डालने हैं। टमाटर से जो है तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, पालक में हमेशा टमाटर ज़्यादा डाला करें, ठीक है। यहाँ साथ में मैंने बहुत थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल दिए, ठीक है, मज़ीद कोई मसाले ऐड नहीं किए इसमें। उसके बाद मैंने 1 जग भर के इसमें पानी डाल दिया है, मैंने इसको तेज़ आंच पे रखना था ताकि ये जल्दी जल्दी जो है तो गल जाए और मुझे थोड़ी जल्दी थी, देर हो रही थी लंच में ना। तो यहाँ हमने क्या करना है जनाब, हमारा गोश्त जब गल जाएगा तो मैंने सेम कढ़ाई में जिसमें मैंने पालक बनाई थी मैंने उसी में डाल दिया है इसको, और
आप चाहे तो इसके लिए भी तड़का अलग से तैयार कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने गोश्त को जो है ना बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करनी थी प्याज टमाटर की भी, डेट्स वाई मैंने इसके साथ ही सब कुछ ऐड कर दिया था इसमें कढ़ाई में, ठीक है। उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने इसको इतना अच्छे से भूनना है कि हमारा जो घी है और साथ में मैं ऊपर मसाले ऐड करूँगी ना तो उसका बिल्कुल कच्चा फ्लेवर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ मैंने एक चम्मच भर के इस पर घी डाला था और इसको इतना अच्छे से भूनेंगे कि पूरी तरह से इसके मसाले जो है ना वो सॉरी जो प्याज टमाटर इसमें हमने ऐड किया हुआ है वो पूरी तरह से गल जाए, ठीक है, वो अलग से दिखाई ना दे बीच में। यहाँ मैंने जो है ना तो धड़ा मिर्च डाली है, इसमें धड़ा मिर्च बहुत अच्छी लगती है, साथ में लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और दो चार हरी मिर्चें डाल दें। अच्छा मैं एक चीज़ करती होती हूँ जो मैं आज जो है ना मैंने वो मिस कर दिया वीडियो के चक्कर में, अक्सर मुझसे चीज़ें मिस हो जाती हैं, तो मैं क्या करती होती हूँ जब मैं पालक ग्राइंड कर रही होती हूँ ना तो मैं तब लाजमी बीच में दो चार हरी मिर्चें डाल देती होती हूँ, तो उससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। तो ये आपको लाजमी कहूँगी कि आपने जब पालक ग्राइंड करनी हो ना तो आपने साथ में दो हरी मिर्चें ज़रूर ऐड कर लेनी है, हरी मिर्च का फ्लेवर बहुत मज़े का आता है इसमें। तो यहाँ हमने जो पालक तैयार करके रखी थी ना, जैसे हमारा गोश्त भुन जाएगा तो हमने इसमें डाल देना है, ना तो आपको घी का कच्चा फ्लेवर आएगा ना ही आपको मिर्च मसालों का, ठीक है, क्योंकि इसकी बुनाई बहुत अच्छे से हो चुकी है। तो यहाँ हमारी पालक ऑलमोस्ट डन है, तो अब हमने क्या करना है, हमने सिंपली जो गोश्त का पानी यखनी जो बन जाती है ना जो प्रेशर कुकर में रह गई, हमने वो वाली यखनी उठा के इसमें डालनी है, कच्चा पानी नहीं डालेंगे। डेट्स वाई मैंने जो है ना जग भर के डाला था उसमें, ये देखिए मैंने पक्की पकाई हुई यखनी डाली है इसमें, ठीक है। अगर आप कच्चा पानी डालेंगे तो फिर आपको अगेन बहुत टाइम लगेगा इसको पकाने में, तो बेहतर है कि जब आप गोश्त बना रहे हो ना तो अब आपने पानी ज़्यादा डालना है, सही हो गया। तो यहाँ हमारी पालक ऑलमोस्ट डन थी, तो यहाँ मैंने सोचा साथ में हमारे घर में पालक के साथ जो है ना तो उबले हुए चावल बहुत शौक से खाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ हमने सिंपल बिल्कुल सिंपल वे में मैंने चावल बॉईल किए थे और साथ में ये मज़ेदार सी हमारी पालक गोश्त बिल्कुल तैयार थी, तो मैंने एक प्लेट में दोनों चीज़ों को निकाल लिया। मेरी बहुत फेवरेट डिश है, बहुत मज़े की लगती है, आप लंच में ले रहे हैं तो आप ज़रूर साथ में जो है ना तो आपने प्याज खाना है, प्याज के साथ वैसे भी हाजमा अच्छा रहता है, रात में मत खाइएगा, लेकिन अगर आप लंच में बना रहे हैं तो आपने प्याज को स्किप नहीं करना, इसके साथ बहुत मज़े का लगता है, ठीक हो गया। आप भी खाइए, इंजॉय कीजिए और फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है, बहुत मज़े की बनती है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है और फिर कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर है। तो मैं जाऊँगी अब आपसे इजाज़त, तो हमें याद रखिएगा अपना अपने प्यार का ज़रूर ढेर ख्याल रखिएगा, हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।